हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि उन्हें पीरियड्स 3 मंथ से, 4 मंथ से, 6 मंथ से नहीं हो रहे हैं। इवन 7 to 8 मंथ्स वाले लोगों के भी मैसेज मेरे पास आए हैं कि सुगम, मुझे इतने दिनों से जो है पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, और जब मैं चेक करती हूँ अपना, मतलब जो मैरिड है अगर वो किट में चेक करते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी भी नहीं आती है, या फिर जो नॉन मैरिड है यानी जो गर्ल्स हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है, जो नॉन मैरिड है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि उनको 2 मंथ से, 3 मंथ से, इवन 6 मंथ से उनको पीरियड नहीं आ रहा है और वो काफ़ी परेशान हैं, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी मेडिसिन भी की तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। यानी जब तक वो मेडिसिन करते हैं पीरियड आ जाता है उस मंथ, देन जब मेडिसिन बंद कर देते हैं तो उन्हें पीरियड आना बंद हो जाता है। तो आज मैं उसी का एक बहुत ही इफेक्टिव यानी कि 100% टेस्टेड, ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला लेके आई हूँ कि किस तरह से आप क्या जो पीरियड है वो 8 मंथ से पीरियड नहीं हुआ है उसको भी ये रेसिपी जो है वो सही करेगी। तो सबसे पहले आपको इस रेसिपी के लिए क्या लेना है, इस रेसिपी के लिए आपको गाजर के बीज लेने हैं। जो बीज की शॉप होती है, बीज की शॉप होती है, वहाँ आपको इजिली आपके गाजर के बीज मिल जाएंगे। आपको एक टेबल स्पून वो लेना है। आई थिंक काले तिल हर घर में होते हैं, मतलब कि वो ग्रोसरी में सबके होते ही होते हैं, तो 1 चम्मच आपको वो लेना है। इस मेडिसिन में मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगी कि दो या तीन इंग्रेडिएंट हैं इस रेसिपी के, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे। तो आगे मैं बात करूंगी कि किन लोगों के लिए 2 इंग्रेडिएंट हैं, किन लोगों के लिए 3 इंग्रेडिएंट हैं। तो अभी फर्स्ट मैं 2 इंग्रेडिएंट वालों की बात कर रही हूँ कि काले तिल लेना है, देन उसको आपको जो बेलन से दरदरा पीसना है, 1.5 ग्लास पानी लेना है, उसे चढ़ाना है, उसमें 1.5 ग्लास पानी डालना है, वो जो आपने पीसा है उसको डाल के धीमी गैस पे ढक के आपको तब तक पकाना है जब तक वो 1/2 ग्लास ना हो जाए। इसे आपको सुबह और शाम लेना है। ये उन लोगों को करना है जिनकी बॉडी हल्की सी गर्म रहती है। तो जैसे कि कुछ लोगों को पता होता है कि उनकी जो बॉडी की तासीर है वो गर्म है, तो वो उसे दिन में, जैसे ज़्यादा ब्लॉकेज है यानी कि 6 मंथ की ब्लॉकेज है तो वो 2 बार लें। अगर जिनको कम ब्लॉकेज है, 2-3 या अभी 2 महीने से नहीं हुआ है, तो वो 1 बार लें। तो इस तरह से आपको ये करना है। अब मैं बात करती हूँ जिनका बीपी लो रहता है, करूँगी उन लोगों का जिनका बीपी हाई रहता है यानी जिनकी बॉडी की तासीर ठंडी है, तो उन लोगों को उसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, बथुआ के बीज। आई थिंक बथुआ आप सब जानते हैं, जिसका साग आप खाते हैं उसके भी बीज आपको जो बीज भंडार होता है वहाँ पे इजिली मिल जाएंगे। सिर्फ आपको 1/2 टेबल स्पून ये डालना है। तो इससे क्या है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है यानी कि 8 मंथ से, 6 मंथ से, उनको ये प्रॉब्लम पूरी तरह से हट जाएगी। और जो गाजर के बीज होते हैं वो ठंडे होते हैं, और जो हमारे बथुआ के बीज और काले तिल के बीज होते हैं वो हल्के हल्के गर्म होते हैं। जब तक हम गर्म चीज़ें नहीं खाएंगे उससे ब्लॉकेज है वो नहीं निकलेगा। और इसलिए मैंने बताया कि जिनकी बॉडी गर्म रहती है वो गाजर के बीज मिला लें, क्योंकि उनकी तासीर ठंडी होती है और गर्म और ठंडे करके वो आपकी बॉडी में ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। और जिनकी बॉडी ठंडी रहती है वो बथुआ के बीज ऐड कर लें। अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, जैसे जो जिनकी तासीर ठंडी होती है, तो वो बथुआ के बीज ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम करें। तो इससे क्या है, आपकी लंबा ब्लॉकेज जो है 6 मंथ से, 8 मंथ से, उसको ये मतलब 100% सही करेगा। अब बात आती है कि आपको इसे कितने दिन तक लेना है। बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए हमारे पीरियड्स आने लगे, क्या फिर भी हम इसे कंटिन्यू रखें या क्या करें। देखिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है कि जैसे एक चीज मैं बताऊं कि अगर आपको 6 मंथ से पीरियड नहीं हुआ है तो 3 मंथ तक आपको इसे कंटिन्यू पीना ही पीना है। धैर्य बिल्कुल भी मत खोइएगा, पेशेंस बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, 3 मंथ तक इसे कंटिन्यू लीजिए, और उसके बाद आप देखिए आपका जो ब्लॉकेज है टूटेगा और जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर आने लगेंगे। जिनको 2 महीने की प्रॉब्लम है उनका रिजल्ट 20 से 25 दिन में आ जाएगा, 100% रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं बात करती हूँ, जैसे बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा जब मैं बोलती जा रही हूँ कि क्या हम इसे लाइफ टाइम लेना है या कैसे लेना है, क्या करना है। जी नहीं, आपको लाइफ टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे जब आपके पीरियड्स रेगुलर आ गए, जब आपने ये सुबह शाम वाला प्रोसेस करके सारे बीज करके लिया और आपका पीरियड रेगुलर हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपका पीरियड की डेट 8 तारीख है, तो आपको 1 तारीख से गाजर का 1 चम्मच डाल के 1.5 ग्लास में, और वो 1/2 ग्लास हो जाए,
तब तक आपको इसे रेगुलर एक टाइम पीना है जब तक आपका पीरियड ना हो जाए। यानी आपको आज 8 तारीख को पीरियड हो गया तो आप गाजर के बीज का लेना छोड़ देंगे। तो इस तरह से आपको ये करना है, यानी कि बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसे लाइफ टाइम लेना है और क्या करना है, ये करिए। और ये आपको 3 to 6 मंथ करना है जब आपके पीरियड्स आने लगे। पीरियड्स आपको ये जो गाजर वाला नुस्खा करना है, और जब आपके 6 to 7 मंथ तक रेगुलर पीरियड आए और रेगुलर आप गाजर का वाला मेथड अपना रहे हो, देन आपको इसे ड्रॉप कर देना है, क्योंकि अब आपकी बॉडी सिस्टम में आ चुकी है। यानी कि हमारी बॉडी को सिस्टम में लाने के लिए कुछ टाइम लगेगा, हमारी बॉडी को टोन करने के लिए कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। तो पीरियड जब तक नहीं आ रहे तब आपको 3 इंग्रेडिएंट वाला वाटर लेना है, जब पीरियड आने लगे तो उसे रेगुलर करने के लिए, यानी हमेशा के लिए रेगुलर करने के लिए आपको गाजर के बीज वाला नुस्खा करना है। इस चीज में डिफरेंस रखिएगा कि गर्म तासीर वाले कौन सा लें और ठंडी तासीर वाला कौन सा लें। अगर इन केस ठंडी तासीर वालों को उससे फायदा नहीं हो रहा है, इन केस मतलब कि 0.5 करके अगर फायदा नहीं हो रहा है, तो आप उसमें बथुआ के बीज डालेंगे, लेकिन 1/2 टेबल स्पून से कम डालेंगे। अगर मेरी इजी सी रेसिपी पसंद आई हो और मेरा चैनल आपको इंफॉर्मेटिव लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को भर भर के लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, और इस वीडियो के नीचे इस रेसिपी से लेके या इस वीडियो से लेके कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सुगम सनशाइन करके, मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं फैट टू ऑसम से, और मुझे मेल भी कर सकते हैं sugam.amit@gmail.com। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।